अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे नारियल की चटनी, जो कि डोसा, इडली इन सब चीजों के साथ खाई जाती है, लेकिन और भी चीजों के साथ हम खा सकते हैं, पकौड़े वगैरह। तो इसके लिए मैंने 1 कप कद्दूकस किया हुआ, मैंने कच्चा नारियल ले लिया है, 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है, और ये 3 हरी मिर्च ले ली है। तड़के के लिए मैंने करी पत्ता ले लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी राई ले ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने ले लिया है, 1 चम्मच भीगी हुई चने की दाल ले ली, इसकी जगह आप भुना चना और भुनी चने की दाल भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने नमक ले लिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। पहले हम नारियल डाल लेंगे, इसी में हम अदरक डाल देंगे, ये हरी मिर्च भी डाल देंगे, आप चाहें तो धनिया डाल भी सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। इसी में हम नमक भी डाल लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/4 टीस्पून इसमें हमने नमक डाल लिया है। और ये चने की दाल भी डाल लेंगे इसी में भीगी हुई, इसी में हम पानी भी डाल लेंगे थोड़ा सा, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे, ये चटनी हमारी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, ये मैंने पैन रख लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल। मैंने राई और सूखी मिर्च डाल दी है लाल, राई हमारी तड़क गई है, इसकी मैं हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई, इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है नारियल की चटनी। आप इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। देखिए नारियल की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव, आप हमें जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।